हेलो स्टूडेंट्स, चलिए हम लोग आज देखेंगे यूपी ट्रिपल एससी के जो पेट का एग्ज़ाम हुआ था उसके इवनिंग शिफ्ट के मैथ के क्वेश्चंस। ठीक है, तो हमारा पहला क्वेश्चन है अंडर रूट 1 + 27/1 / 69 इक्वल टू, इतना दिया हुआ है तो एक्स का मान निकालना है। देखो रहा, अगर अंदर वाली वैल्यू को सॉल्व करते पहले तो 169 + 27, ठीक है, बटे 169 हो जाएगा इक्वल टू। अब इसको 1 + x/13 ही रहने दो, 169 + 7 कितना हो जाएगा 176, 20 196 बटे 169 इक्वल टू 1 + x/13 है। इसको सॉल्व कर लो तो 13 + x/13, तो ये 196 होता है, 14 का अंडर रूट होता है और 169 13 को होता है, तो 13 + x/13, तो 13 से 13 क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, तो बचेगा केवल 14 इक्वल टू 13 + x, तो जो x की वैल्यू आ जाएगी वो 1 आ जाएगी, तो हमारा आंसर ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 37 सही 1/2 में कुल कितने 1/8 हैं। तो देखो रहा है, ये डिवाइड का रूल है, तो 37 सही 1/2 को क्या लिखेंगे, 75/2 डिवाइड कर देंगे 1/8 से, तो ये ऊपर जाएगा 75 × 8/2 × 1, 2 × 8 75 × होता है 300। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही होगा। चलिए इधर क्वेश्चन नंबर 33 देखते हैं। तो देखो रहा है, इसमें पॉइंट से पॉइंट कट जाएगा, एक डिजिट वाला लगा हुआ है, तो बचेगा केवल 360/1024। 360 होता है वो 19 का अंडर रूट होता है और 1024 होता है 32 का, तो ऑप्शन नंबर सी। देखिए दोस्तों, 34 क्वेश्चन देखते हैं। तो एक शहर की जनसंख्या में 4% की वृद्धि होती है परंतु स्थानांतरण का 1.2% घट भी जाती है, तो तीनों वर्ष में वृद्धि की प्रतिशत क्या होगा। देखो रहा, फर्स्ट ईयर में 4% क्या होगी, बढ़ेगी, बट क्या होगा, 1/2 कम भी तो हो जाएगी, ठीक है, तो कितनी बचेगी, केवल 3.5। तो पहले ईयर में 3.5 और सेकेंड ईयर में 3.5, फिर थर्ड ईयर में 3.5। जब इसको सॉल्व करेंगे हम लोग 3.5, तो एक फार्मूला होता है x + y + xy/100, तो 3.5 जोड़ेंगे तो 7 हो जाएगा, फिर इन दोनों क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कराएंगे तो 0.1225 आएगा, तो इसको पूरा ऐड करेंगे तो 7.1225 हो जाएगा, फिर से 3.5 को लेंगे और ये फॉर्मूला लगाएंगे x + y + xy/100। जब इसको अगर फर्दर सॉल्व करेंगे तो हमारा ये 10.822 के आसपास आएगा, तो हमारा जो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। चलिए इतने क्वेश्चन नंबर 35 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 है 13 परिणामों का औसत 68 है, तो इनका योग निकाल लेंगे 13 × 68 करके, 13 × 8 = 104, 13 × 78 = 10 = 88। कह रहा है पहले 7 का औसत 63 है, तो इनका योग निकालने के लिए क्या करेंगे, 7 × 63। फिर कह रहा है कि आखिरी 7 का औसत 70 है, तो इसको भी जोड़ लेंगे 7 × 70, तो कह रहा है 7वें का परिणाम ज्ञात कीजिए। देखो रहा, दोनों में 7 कॉमन है, 70 और 63 हो जाएगा 133, तो इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 × 21, 7 × 91 = 2 = 93, तो 9 × 31 में 884 घटा दीजिए, वही आपका आंसर हो जाएगा। 11 में 4 गए 7, 12 में 8 गए 4, ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा। देखिए ये हमारा क्वेश्चन दिया हुआ है, तो आपको कह रहा है उत्पादन अधिकतम स्तर तक किस वर्ष घटा, ठीक है, तो आपको मिनिमम जो उत्पादन घटा है वो आपको देखना है। देखो रहा, उत्पादन अधिकतम कितने किस वर्ष तक घटा, देखो रहा इसको क्या करना है,
अब उत्पादन घटा है ना, तो यहाँ तो इंक्रीज हो रहा है, 44 से 58 जा रहा है, 58 से 55 यहाँ पर घट रहा है 3 का, ठीक है, और यहाँ पर घट रहा है 98 से 60 हो गया, कितने का घटा, 28 का, सॉरी 38 का, ठीक है, और 60 से 55 हुआ तो -5 का, तो यहाँ ज़्यादा घटेगा नहीं, 90 से 80 हुआ -10 का, तो मतलब सबसे ज़्यादा उत्पादन किस में घटा ये 2015-16 के दौरान, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। अब कह रहा है कि उत्पादन में पिछले वर्ष की तुलना में वर्ष के दौरान अधिकतम वृद्धि हुई, तो यहाँ पर देखो 42 से 44 हो रहा है, 2 की वृद्धि हो रही है, 44 से 58 हो रहा है, 14 की वृद्धि हो रही है, अब 58 से 55 हो रहा है तो कमी हो रही है, यहाँ नहीं काउंट करेंगे, 55 से 90 हो रहा है, कितना हो रहा है, 35 की वृद्धि हो रही है, और यहाँ पर 8 की वृद्धि हो रही है, और यहाँ पर आपकी हो रही है 25 की, यहाँ पर 10 की हो रही है, तो मैक्सिमम जो वृद्धि होगी वो आपकी 2012 या 2013 पे होगी, और सॉरी 2013-14 पे, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। तो कह रहा है प्रथम 3 वर्ष के दौरान औसत उत्पादन कितना था, तो प्रथम 3 वर्ष, तो पहला क्या है 42 है, फिर 44 है और 58 है, इनको जोड़ के 3 से डिवाइड कर देंगे, तो 58 2 60 400 144, तो 144/3, 3 चौको 12, 3/8 24, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 84 देखते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 84 है, सीमेंट का अधिकतम उत्पादन दर्ज हुआ इस वर्ष में, तो मैक्सिमम उत्पादन है वो 98 है और कोई नहीं दिख रहा है, तो 98 का उत्पादन किस में है, 2014-15 पे, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। तो वर्ष 2011-12 के दौरान उत्पादन वृद्धि प्रतिशत पिछले वर्ष की तुलना में थी, तो 2011-12 देखेंगे 58, ठीक है, पहले उसकी क्या हो रही थी 44, कितने की वृद्धि हो रही है 14 की, तो 14 की वृद्धि हो रही है 44 से × 100, तो इसको सॉल्व करेंगे तो यह आ जाएगा अपना 11, ये 25, ठीक है, 25 चौको 100, 25 से कम 25 10 35 / 11, 11 3 33, 20 बचेगा, 11 कम 11, तो 31.8%। चलिए इधर क्वेश्चन में, एक्चुअल में क्वेश्चन में 86 है, 2014-15 में से 2015-16 के दौरान एक्स के आयात में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई, तो 2014-15 से 2015-16 के, देखो 900 से आयात करता था, कितने अब आयात करने लगा 1200, कितनी वृद्धि हो गई 300 की, 300 की वृद्धि हो रही किससे, 900 × 100, तो 0 1/3 क्या होता है, 33 सही, 1/3% है, 33.33%। चलिए देखते हैं 87 क्वेश्चन नंबर, तो क्वेश्चन नंबर 87 है कि सभी वर्षों के लिए वर्ष दर एक्स के आयात की वृद्धि का औसत ज्ञात कीजिए, देखो रहा है 2013 से 14 में 200 का इंक्रीज हो रहा है और इसमें से 300 का इंक्रीज हो रहा है, 900 से 1200 में यहाँ पर कोई इंक्रीज नहीं हो रहा है तो इसको काउंट नहीं करेंगे, 1200 में 1300 100 का इंक्रीज हो रहा है और 1300 से 2000 में 700 का इंक्रीज हो रहा है, तो इसको जब सॉल्व करेंगे 3 2 5 1 6 7 6 1300, ठीक है, अब एवरेज निकालना है, तो एवरेज जो इंक्रीज है वो आपकी केवल 5 वर्षों में हुई है, इस वर्ष में कोई इंक्रीज नहीं हुई, इसलिए 6 को काउंट नहीं करेंगे, 5 से डिवाइड करेंगे, तो 260 आपका आंसर हो जाएगा। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 88 देखते हैं अब, तो विगत कितने वर्षों तक एक्स का आयात एक्स के औसत आयात से अधिक था, देखो रहा जब इसको औसत निकालेंगे तो 7 9 16 12 28 और 12 4000 4000 और 2 6000 और 73 1300, तो ये हो जाएगा आपका 7300, जब इसको इसका डिवाइड करेंगे आप 6 का तो लगभग ये 1200 के ऊपर आएगा, ठीक है, 1216 के आसपास समथिंग आएगा,
तो यहाँ पर देखो ना, कह रहा है कि कितने वर्षों तक एक्स का आयात एक्स के औसत आयात से अधिक था। तो केवल 2017-18 में और 2018-19 में ही, 2 ईयर्स में जो आयात था वो औसत आयात से अधिक था। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, सॉरी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 89। तो कह रहा है कि एक्स के औसत आयात से अधिक, तो ये 2 है, और एक्स के औसत आयात से कम, तो जाहिर सी बात 6 वर्ष का दिया है, तो 2 वर्ष अधिक होगा, तो 4 वर्ष क्या होगा, कम। तो इनके बीच का डिफरेंस पूछा जा रहा है, तो कितना हो जाएगा, 2। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। अब क्या बोल रहा है 90 का क्वेश्चन नंबर, वर्ष 2018-19 के दौरान एक्स के आयात में प्रतिशत वृद्धि सभी वर्षों के एक्स के आयात से उसके औसत से कितनी है। ठीक है, देखो ना, 2018-19 के दौरान 2000 की वृद्धि हो रही है, 2000 की वृद्धि हो रही है। ठीक है, और जो उसका औसत है वो 1216 का है, तो जो इनके बीच का डिफरेंस है लगभग वो है 8-6। ठीक है, ये 700 लगभग 84 का डिफरेंस है। ठीक है, 784 का डिफरेंस है, और कंपेयर किसे करना है, उसके एवरेज से। तो 1216 × 100, जब इसको सॉल्व करोगे तो 64.38% आ जाएगा। चलिए देख, क्वेश्चन नंबर 91 से 95 वाले क्वेश्चंस, तो देखते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा है कि देखो, ये आपको ग्राफ दिया हुआ है, चार व्यक्ति ए बी सी डी सप्ताह के विभिन्न दिनों पर वस्तुओं की बिक्री कर रहे हैं। तो कह रहा है क्वेश्चन हमारा पहला है 91, मंगलवार को ए द्वारा बेची गई वस्तु, तो मंगलवार को ए कितनी बेच रहा है, 35। शनिवार को सी द्वारा गई बेची गई वस्तु, तो शनिवार को सी द्वारा बेची गई वस्तु का अनुपात कितना है, तो 5 × 35 = 45, तो 7:9, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 92 देखते हैं, कह रहा है सोमवार को डी द्वारा बेची गई वस्तु, सोमवार को डी कितनी बेच रहा है भाई, 20। शनिवार को सी द्वारा बेची गई वस्तु का कितना प्रतिशत है, शनिवार को सी द्वारा बेची गई वस्तु का कितना प्रतिशत है, तो 45 बेचेगा सी, तो प्रतिशत पूछ रहा है × 100, तो 15 × 45, 5 × 5 × 10 = 20, 25 × 100, यानी 400/9। तो अब इसको ले सकते हैं 4 × 100/9, 100/9 होता है 11 से 1/9, और 4। लेते हैं क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं, तो क्वेश्चन नंबर 19 है कि बी सी तथा डी द्वारा क्रमशः सोमवार मंगलवार तथा शनिवार को बेची गई वस्तुओं का औसत क्या है। ठीक है, तो बी और सी और डी, ठीक है, तो बी सोमवार को बेचता है 45, सी बेचता है 25 और डी बेचता है 20, तो अगर इनको जोड़ेंगे तो 45, 25 और ये हो जाएगा 90। ठीक है, बी सी डी का सोमवार का बेचने की संख्या, और शुक्रवार को बेचेंगे, सॉरी शुक्रवार को लेना, मंगलवार लेना, मंगलवार को बेचेंगे वो 20, सी और डी 50, 20 76 और 8 84 और 40 124। शनिवार को बेचेंगे ये 40 + 45 + 40, यानी 125। ठीक है, तो इनको ऐड कर देंगे, 5 4 9 2 2 4 1 9 4 13 और 1 1 2 1 3, 349। ठीक है, अब यहाँ बात की जा रही है बी सी और डी द्वारा, तो देखो ना यहाँ पर ये जो दिन होंगे, यहाँ पर 1 2 3 वस्तुएं बेचेंगे, और ये ऐसे 3 2 6 हो जाएगा, 3 3 9 हो जाएगा। ठीक है, तो जो 9 वस्तुएं बेचेंगे तो उसका 9 का डिवाइड करना पड़ेगा, 9 को डिवाइड करेंगे तो 9 3 27 और 69 9 7 63, तो लगभग 37 समथिंग आ रहा है, बट इसमें कोई ऑप्शन मैच नहीं कर रहा है, तो ये थोड़ा इसमें से इस नन ऑफ दीज होगा, मतलब कि क्वेश्चन ये गलत है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 94 देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 94 है, सप्ताह के सभी 4 दिनों में डी की वस्तुओं की बिक्री की तुलना में पी की वस्तुओं की बिक्री में कितने प्रतिशत की वृद्धि आई। तो डी नीचे लिखेंगे और बी ऊपर लिखेंगे, तो बी और डी को करेंगे कंपेयर। ठीक है, तो सभी के 4 दिनों में बी बेचता है 45 + 50 + 90, तो 95 और 4 135 और 28 143 = 163। डी बेचता है, देखो हम लोग 86 आया था, 86 87 और 40 127। ठीक है, तो कितने की वृद्धि हो रही है,
लगभग 13 7 गए 6, ठीक है, और 15 12 गए 3, 36 की वृद्धि हो रही। 36 की वृद्धि किससे हो रही है? डी से, 127 इंटू 100। तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये 3600 है बटे 127 है, इसको सॉल्व कीजिए हम, तो 127 में 254 होगा, और तो दो बार जाएगा, ठीक है, तो ये दो बार इसको पूरा सॉल्व करना पड़ेगा क्योंकि नज़दीक वैल्यू दी हुई है। 10 में 4 गए 6 और 35 में 25 गए 106, ठीक है। तो अब एक जीरो बढ़ा लेंगे, 12 6 72, 72 8 96, तो 8 बार जाएगा लगभग ये, तो 8 7 56 और 12 8 96 और 5 101, 10 में 6 गए 4, 5 में 1 गए 4, फिर पॉइंट लगा के जीरो बढ़ाएंगे तो 28.3% आ जाएगा हमारा, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। चलिए देखते क्वेश्चन नंबर 95 देखते हैं अब। तो सोमवार को बेची गई वस्तुओं का औसत, तो सोमवार को बेचा है इन्होंने 40 45 25 20, इनका औसत निकालेंगे तो 20 और 25 45, तो 90 130, तो 130/4। और शुक्रवार को बेची गई वस्तुओं के, तो 25 और 5 15 40 और 28 68 और 169, 109, ठीक है, बटे 4। तो इसको सर डिफरेंस ले लेंगे हम लोग, 109 और ये आ जाएगा लगभग 21/4, तो 5.25 हमारा आंसर हो जाएगा 95 का सी। क्वेश्चन नंबर 96 है हमारा, गेहूं उत्पादन में किस वर्ष दौरान गिरावट देखी गई, ठीक है। तो 2010-11 में 607 व 7 से ये 56, हाँ, तो 2014-15 के दौरान गिरावट देखी गई, तो सही आंसर हो जाएगा इसका 96 का सी। तो कह रहा है 97 में इनमें से किस फसल में 2013-2017 के मध्य में लगातार वृद्धि दर्ज की गई, तो लगातार वृद्धि देखना है, 874 से 964, 960, 985 आपको देना है, 2013 से 2017 के बीच, सॉरी यहाँ 2013 से 2017 के बीच में, तो देखो 985, 900 तो 716 हो गया, तो ये तो कट जाएगा, ठीक है। अब 1110 से 1160, 1450, 1460, तो मतलब यही बाजरा है, इसमें क्या होगा, लगातार वृद्धि देखी गई। क्वेश्चन नंबर 98 है कि 2010 से 2011 और 2016 से 2017 की अवधि के मध्य आलू का औसत उत्पादन कितना था, 2010 से 2011 से 2016 से 2017 के मध्य, मतलब पूरा ही काउंट करना है, तो आलू कहाँ पर है ये, तो इन सभी को ऐड कर देंगे और 3 3 6, एक मिनट यार ये क्या बन गया, 210 प्लस 220, तो यहाँ फटाफट ऐड करेंगे तो 2 5 2 7 5 12 5 17 हो जाएगा, ठीक है, 1 17 21 22 कितना हो जाएगा 43, और 1 44 और 22 66 और 4 70 20 90, 90 40 130, 130 और 44 कितना हो जाएगा 174 और 71 हो जाएगा 175 30, 205, ठीक है। तो इसको अब कितने ईयर हैं, 1 2 3 4 5 6 7, 7 से डिवाइड कर देंगे तो 7 दूनी 14 65, 7 9 63 27, 7 3 21, तो 293.86 हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। 99 पूछ रहा है कि 2016-17 के मध्य इनमें से किस फसल के उत्पादन में पिछले वर्ष की तुलना में गिरावट दर्ज की गई, 2016-17 के मध्य में, ठीक है, तो इसमें से तो वृद्धि हुई है, इसमें से हाँ 826 उत्पादन हो रहा था, कितने की हो गई 812, ठीक है। तो चावल का ऑप्शन, हाँ चावल वाला ऑप्शन है, यानी 99 का सी करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 हमारा,
कि आलू का उत्पादन 2015-16 में 2010-11 का अंदाजन कितने गुना था। देखो रहा, अब पहले हम लोग देखो 2015-16 में कितना उत्पादन हो रहा है, 400, ये हो रहा है 2010। अब इसका जब ऑप्शन से चेक करते हैं, ए का मल्टीप्लाई ए कितना है, 1.82 ऑप्शन दिया हुआ है। अगर इसमें 1.82 का मल्टीप्लाई कराते हैं तो 18×36 360 के आसपास जाएगा, तो ये तो बहुत काफ़ी दूर है। दो का मल्टीप्लाई कराएंगे 21×42 होता है, तो 400 काफ़ी ज़्यादा हो जाएगा। वो 2.51 तो और भी ज़्यादा होगा, तो बचा क्या, 1.90, यही हमारा आंसर हो जाएगा।